रामायण में इस एक्टर की एंट्री, रणवीर कपूर के साथ निभाएगा अहम भूमिका। एक्टर ने फिल्म को लेकर तोड़ी चुप्पी। दंगल, छिछोरे और बवाल जैसी फिल्में बना चुके नितेश तिवारी इन दिनों अपनी आगामी मच अवेटेड फिल्म रामायण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस पौराणिक फिल्म में रणवीर कपूर श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता माता बनी हुई है। बीते दिनों रामायण के सेट से राम और सीता के रूप में रणवीर और साई की तस्वीर लीक हो गई थी, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। दोनों को राम और सीता के किरदार में देख फैंस खूब गदगद हुए थे। अब इस फिल्म में एक और अभिनेता की एंट्री हुई है, जिसे उन्होंने खुद कंफर्म किया है। नितेश तिवारी निर्देशित रामायण में जिस अभिनेता की एंट्री हुई है, वो है अजिंक्य देव। 61 साल के अभिनेता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणवीर कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की है और फिल्म में हिस्सा बनने की खुशखबरी फैंस को दी है। सेल्फी में अजिंक्य रणवीर के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अजिंक्य ने बताया कि वह रणवीर की फिल्म का हिस्सा है, लेकिन उनका उसमें क्या रोल है अभी इस पर कोई डिटेल शेयर नहीं की है। अजिंक्य ने कैप्शन में लिखा, तो अब फोटो को लेकर सफाई पेश करता हूँ। आरके रणवीर कपूर के साथ एक महान कीर्ति फिल्म रामायण में एक शानदार भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हूँ। यह 1.5 साल अद्भुत रहा है, क्योंकि पहले मैंने नीतू सिंह कपूर मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया, करिश्मा के साथ एक वेब सीरीज और अब रणवीर कपूर के साथ। बता दें, अजिंक्य अजय देवगन के साथ तानाजी, संसार, फूल और अंगार, छोटा सा घर और गैर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।